आपको तंग नहीं कर रहे। माल रोड शाहराह लाहौर की एक कदीम और मशहूर शाहरा है। इस शाहरा के साथ क़याम पाकिस्तान से पहले की तामीर करदा कई ऐसी इमारत हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। अनदेखा वजूद की टीम ने इंतखाब किया उस इमारत का जो बज़ाहिर जदीद तर्ज की बनी खूबसूरत और दिलकश दिखाई देती है, लेकिन अपने अंदर बहुत से राज समाये बैठी है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ इंसान और कुछ अनदेखे वजूद साथ साथ ही रहते हैं। अनदेखा वजूद की टीम ने जब इस खास जगह के बारे में इसकी तारीखी हैसियत का यहाँ मौजूद लोगों से पता किया तो मालूम हुआ कि यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले हिंदू घराने आबाद थे और यहाँ पर हमेशा से उन्हें किसी ऐसी मखलूक का एहसास मिलता रहता है जिसे कभी नहीं देखा लेकिन महसूस जरूर किया जाता है। जब भी अक्सर आता हूँ तो ऑफिस में जब शाम को क्लोज़ करता हूँ ना तो मोस्टली मैं अक्सर इनको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, और जिस दिन मैं खुदा हाफिज़ ना कहूँ ना तो मेरी कोई ना कोई चीज़ अंदर रह जाएगी, चाबियाँ रह जाएंगी, हेलमेट रह जाएगा और मुझे दोबारा से वो ऑफिस खोल के तो फिर जो है ना वो निकालना पड़ता है और फिर इनको खुदा हाफिज़ कह के और फिर मैं जब आउट होता हूँ ना तो फिर नहीं होता है। ऑफिस बैठा हूँगा इस तरह रात को लेट नाइट अक्सर काम लेट होता है तो मुझे ये फील होता है कि जनाब कोई 10-15 बंदे यूं गुजर गए हैं, 2-4 इधर गुजर गए हैं और जब बाहर निकल के देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। और यही इनकी अक्सर मूवमेंट होती हैं कि जनाब कभी बैठा हूँ तो पिछले कमरे से आवाज़ आ गई, कोई बर्तन गिर गया, तो इस तरह की अक्सर मुझे जो है ना वो इनकी मूवमेंट फील होती रहती है कि जनाब ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और जब गुजरते हैं मेरे पास से तो यही फील करता हूँ कि शायद ये मुझे रियलाइज करवा रहे हैं, तो फिर नहीं होता है। जैसे ही सुबह में दोबारा मेरी एंट्री होती है, आते मैं सबको सलाम कहता हूँ और बाजू का तो ये अपनी मूवमेंट से यानी कि किसी कोई ना कोई चीज़ की आवाज़ आ जाएगी या मुझे वैसे फील हो जाता है कि ये अब रिप्लाई कर रहे हैं। इसी बिल्डिंग में एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर इस बिल्डिंग का चौकीदार रहा करता था। उसका ये कहना है कि उस कमरे में उसके साथ बहुत से अजीबोगरीब वाकयात हुए, कभी चारपाई का घूम जाना तो कभी थप्पड़ों से पिटाई, कभी कभी तो जिस्म पर ऐसी ज़र्ब लगी कि उसके निशान आज भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी फ़कालू इन्ना समयना कुरआनन अजबा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के साथ एक फ़रिश्ता और एक जिन पैदा फरमाया, यानी इसका मतलब ये है कि जब हर इंसान के साथ एक फ़रिश्ता और एक जिन है तो इसका मतलब है कि हर जगह पे जहाँ पर फरिश्ते मौजूद हैं वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को भी साथ साथ रखा है कि जो कोई भी वीरान जगह है वहाँ पर शैतानी असरा ज़रूर मरतब होते हैं। लेकिन स्पेसिफ़िक जब हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी पलीद जगह पर लेकिन वो हो वीरान जगह, तो ऐसी हालत में जैसे कि हम बाथरूम में जाते हैं तो वो एक किस्म की जो है ना एक दरवाज़ा बंद होता है, छोटा सा कमरा होता है, लेकिन वहाँ पर गंदगी और गलाजत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर भी शैतानों को मुकर्रर फरमाया और वो शैतान वहाँ पर ज़्यादा बंदे के ऊपर असरात मुरतब करते हैं। यानी जो मुश्किल है ये शैतान की सूरत में, वसवसे की सूरत में, इबलीस की सूरत में ये बाथरूम के अंदर भी हमारे साथ रूनुमा होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देखा वजूद और मैं हूं मशारे फारूकी और मैं हूं वसीम नकवी। आज हम मौजूद हैं लाहौर में माल रोड, जो लाहौर की ऐसी शाहरा है जो इंतहाई मशहूर है, और यहां पर आपको बताएं कि इसके अकब के अंदर एक ऐसा दफ्तर है जहां पर हमें रिपोर्ट मिली, ये मौसूल हुआ कि यहां पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अनदेखी चीज़ें हैं और जिनके वजूद को कोई देखता तो नहीं है लेकिन उनको महसूस जरूर करता है। ऐसा है कि हम लोग ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है वसीम, दोबारा ये जगह जिस जगह हम लोग अभी आए हैं ये माल रोड पे मौजूद है, लाहौर का एरिया है, मसरूफ तरीन ये रोड है। आइए उस ऑफिस को की तरफ चलते हैं जहाँ से शिकायतें हैं और आइए देखते हैं।
तारे, कहने को ये मालोड है और देखें यहाँ का लाहौर का जो सबसे मेन शहरा है, यहाँ पर हमारे इस दरवाजे को खोलने से पहले अगर आपको दिखाऊं मैं तो यहाँ पर देखें ये इस तरह की प्लेसेस भी हैं जो रात 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक इस तरह का माहौल है। ऐसी है कि शहर लाहौर मशहूर है खाने पीने के लिए माल रोड पे, साथ ही लक्ष्मी चौक भी यहाँ पे है, रीगल भी है, और लेकिन उसके अकब में ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कुछ ऐसी चीजें कुछ अनदेखे वजूद हैं जिनके बारे में आज हम इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। तो मिशारे बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह जी जनाब। अच्छा ये वो ऑफिसेज हैं, कुछ फ्लोर इनमें ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि काम भी हो रहा है, मामूल के जो उनकी रूटीन है वो भी चलती रहती है। लेकिन मुशारे कुछ यहाँ पर पीछे ऑफिसेज ऐसे हैं जो साल हर साल से बंद हैं। बिल्कुल, जैसे हमें यहाँ के इलाके मकीन ने भी बताया, वो जब यहाँ पे आते हैं और वो कुछ उनको कभी उस चीज़ से तंग नहीं किया वसीम। बिल्कुल, हम देखते हैं, हम उस जगह की तरफ अभी जा रहे हैं और यहाँ पर फर्स्ट ये देखें, ये पहली हमें ऐसी जगह नज़र आ रही है जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। आए मुशारे बिस्मिल्लाह करते हैं जी। नज़र देखने को इस जगह को जब देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये बहुत से सालों से बंद है, वीरान है। जैसे कि कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि ऐसा लगता है कि ये जली हुई है। अभी हम इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके बाद आपको हम बेहतर तौर पे एक इन्वेस्टिगेटिव पार्ट दिखाएंगे कि आया यहाँ पे कोई ऐसी मखलूकात का बसेरा है या सब अफवाहें हैं। अच्छा, तो वसीम ये इसका भी काफ़ी एक हॉल नुमा जगह है, हम ये देखते हैं। नज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीडिंग ये आप देख सकते हैं कि हमने दोनों मीटर्स ऑन कर ली हैं। अभी स्टार्टिंग में आते यहाँ पर देखो कितना रेटेड है यार इस दरवाजे के करीब, और ये जो लॉक है मेरे ख्याल से अंदर से यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे है, ये स्टिल स्टैटिक रीडिंग है, बिजली की वजह से हो तो उसमें वेरिएशन आने चाहिए। ये आप देख सकते हैं मीटर जो है ये अलार्मिंग कर रहा है। थोड़ा सा बताता चलूँ, हमारे मीटर्स अमूमन जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का वसीम होता है, लेकिन उसके ये देख रहे हैं आप कि बिजली का हो वो ऊपर करने से आनी चाहिए। ओ माय गॉड, उफ, यहाँ पर कुछ है वो रीडिंग देखो जरा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पर दिखाए, कैमरामैन दिखाइएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज जरूर है। क्या कोई चीज है यहाँ पे जो अपना वजूद रखती है और नजर नहीं आ रही? एक सेकंड ये मखलूकात ने आग लगाई थी। हाँ। ये जो मीटर बज रहे हैं क्या हमें कोई चीज हिलाकर मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं आप? ये मीटर का बजना आपके होने के सबूत है। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें अपनी मौजूदगी का इजहार करवाइए बगैर किसी नुकसान के। हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपको तंग नहीं करने आए हैं, हमें सिर्फ ये एहसास दिलाइए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये हमारे मीटर्स तब बजते हैं जब कोई ऐसी अनदेखी मखलूक जो हमारी आंखें नहीं देख सकती तब बजते हैं और तब ये अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होती है। तो यहाँ पर यकीनन आप लोगों की मौजूदगी है, काइंडली बराए मेहरबानी। नाज़िम वसीम ऐसा लग रहा है कि मीटर फट जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हैं,
अच्छा, इसमें अब ये है कि वसीम हम आगे देखते हैं, हमें पहली इंडिकेशन ये क्या गुजर रहा है, हमें पहली इंडिकेशन तो मिल चुकी है कि देयर इज समथिंग अभी 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 हम देखते हैं आगे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मीटर सबसे उठा रहे हैं और दूसरे रूम पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक अमेजिंग बात है कि हम अभी एंटर ही हुए हैं, अभी आते ही अभी एंट्रेंस है, और यहाँ पर फिर नाज़रीन को बताएं कि ये साथ ही माल रोड है और माल रोड के साथ जो दूसरी तरफ की सड़कें हैं मसरूफ तरीन ये इलाका है, और यहाँ पर हमें इन चीज़ों की प्रेजेंस कितनी मिल रही है। आई थिंक हमें इसको उठा लेना चाहिए। अच्छा मुशारे भी, एक चीज़ महसूस करो, देखो कि मैक्सिमम हाइट आप ये देखिएगा वसीम, दिखाइए कि नाज़रीन यहाँ तक हमने इसको सिर्फ दो उंगलियों से पकड़ा, ये इसकी बैक बोर्ड दिखाई, कोई इसकी चीज साथ मैग्नेटिक या और कुछ ऐसा। ये क्या हुआ? या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, मुशारिफ हमारे साथ कोई चीज चल रही है। ये देखें नज़रीन, हमारे ये देखें, ये देखें, दिखाइएगा दिखाइएगा, चल रही है, ये दिखाइए, हमारे साथ कोई चीज चल रही है, ये कैमरा दिखाएगा, ये देखिए एक यहाँ पे फ्लो है और ये यहाँ पे बंद हो रहा है। इनकी हाइट 3-4 feet तक है, फीट तक ही है, एग्जैक्टली वही चीज़ है, यहाँ कोई रीडिंग नहीं है जी। अच्छा। वसीम, ये इसकी दूसरी जगह है, यहाँ पे एक रूम है जो काफ़ी अरसे से बंद है, मतलब कि यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है, हम यहाँ पे भी देखते हैं, वहाँ पे हमारे मीटर्स तो बिल्कुल चुप नहीं हुए, एक खास हाइट पे यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, और ये एक जगह ही आप दिखाइएगा ये किस तरह बंद किया हुआ है, और ये मोमेंट कोई आई थिंक कुछ चीज़ होगी, स्टोर हो सकता है वसीम, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये एक वसीम टोटली केबल्स हैं बनाए गए, बिल्कुल लाइक हैं, और ये ऑफिस चलता होगा भले वक्तों में। अच्छा, अभी एक ये आप देख सकते हैं, ये दिखाइए, जगह जगह पर ताले हैं, आप देख सकते हैं मिट्टी की यहाँ पे हालत, और वसीम आगे जाने की कोशिश करते हैं, अगर जा सकते हैं तो काफ़ी आगे, नीचे ध्यान से नीचे वो भी हो सकता है कोई चीज़ ना हो। ओके, क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? यहाँ पे रीडिंग आई है, यहाँ पे अचानक से खामोशी हो चुकी है, आवाज़ आई, क्या हो रही है? दरवाज़ा बंद करने की, बिल्ली भी हो सकती है, ये क्या? ये दिखाएं, ये दिखाएं, 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 ये किस तरह के निशान है? ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये बिल्कुल, यार वसीम ये तीन पांव किसके हैं यार, या हाथ या पांव? ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, इधर आइएगा मैं कैमरामैन दिखाऊं कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हो, लेकिन उस जानवर का पता नहीं है। नहीं नहीं, मिसाल इस तरह से नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तीन चार उंगलियां। एक सेकंड ठहरिएगा, क्या कोई चीज है इस रूम में? अगर है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए, हम आपसे मिलने आए हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपको तंग नहीं कर सकते, ना ही करने आए हैं। क्या किसी यहाँ पे जितने बंद दफ्तर हैं वहां पे मौजूदगी दिखा सकते हैं अपनी? चलें वसीम दूसरा रूम देखिए, चलें, यहाँ पे तो काफी ज्यादा ऐसी जगह है। नहीं है मिशारे, मिशारे नहीं है, ये वही जगह है नाज़रीन जहाँ पर अब से कुछ देर पहले हमारे मीटर बजते जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, ये वो जगह है। बिजली का एक
फ्लो, एक स्पेसिफिकली एक उसकी करंट होता है जो बाकायदा तौर पर चलता रहता है, उस पर मीटर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आइए उस वाहिद रूम में चलते हैं। वसीम, यहाँ से कहानियाँ बहुत ज़्यादा मनसूख हैं, अगर मेरा कैमरा मैन ऊपर दिखाए। वसीम, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि आग लगी गई थी और ये भी आग भी काफी अरसे से बंद है, ये दफ्तर साल काफी हो चुके हैं, काफी साल हो चुके हैं। ये दरवाजा दिखाएं, ये इसी मखलूकात की वजह से वसीम कहा जाता है कि यहाँ पे। अच्छा, और ये मखलूकात ने आग लगाई थी। हाँ, वो आप देख सकते हैं, ये दरवाजा जिस रूम में हम फर्स्ट टाइम गए थे, ये उसको दूसरे आप इसकी हालत देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल आग लग चुकी है। वसीम, अगर यहाँ पे मैं रीडिंग चेक करता हूँ कि मिल रही है मुशारे, ये देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पे जूता पड़ा हुआ है किसी, और ये वो देख सकते हैं किसी चीज बैग है जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे ही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मुशारिब कि हमारे साथ कोई और चल रहा है। यूसुफ, इसको ज़रा खोलिएगा, यहाँ पर एक पुराने वर्कर हैं जो इसी बिल्डिंग के अंदर हमारे लिए काम करते हैं और आज हमारे लिए यहाँ पे रुके हैं। मुशारे फिर आए, कोई रीडिंग आई है, हम उसको कॉलिंग करते हैं। आप शीशा दिखा सकते हैं कि ये रीडिंग यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मट्टी आप देख सकते हैं किस तरह मट्टी है। जगह ऐसी है यार, होगा। इधर आइए, यहाँ पे कुछ है, एक सेकेंड, ये दिखाइए, मैं कैमरा दिखाइए, जैसे यहाँ पे हल्की सी रीडिंग आ रही है और ये काफ़ी अच्छे से बात है, शॉर्ट रीडिंग है उसी, बहुत मट्टी है यहाँ पे, लेकिन खास इस कुर्सी पे एक रीडिंग है। सफोकेशन है, सांस ले लिया जा रहा है, बंद है पड़ा। आप ये ख़ास तौर पर ये देखिए, अगर मैं इसका ये जायज़ा लेता हूँ वसीम, या आप देख सकते हैं कितने अरसे से ये बंद है, कितनी गंदी जगह है। यार क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कोई चीज़ है यहाँ पे, क्या बगैर नुकसान पहुंचाए हमें अपनी मौजूदगी का साज दिला सकते हैं, बगैर नुकसान पहुंचाए। हमारे पास कुछ आलात हैं, क्या इसके पास से गुजर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए। चाहिए हमें आगे देखना, आगे देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। हल्की हल्की रीडिंग्स आ रही हैं, लेकिन आप दिखाइए कि हमें बिजली का बिल्कुल निशान नहीं है। ये एक और ऑफिस है शायद, ये भी काफ़ी अरसे से बंद है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है नाज़िन, चीज़ें अपनी जगह से अरसे से नहीं हिली। आइए इधर आइए, इधर आइए कैमरामैन। अच्छा वसीम, ये आप देखिए, ये बार बार ये चीज़ मुझे मेरी समझ से बाहर है कि नीचे की जैसे कोई चीज़ यहाँ पे बैठी हुई है गंदगी के पास बाकायदा तौर पे। नाज़रीन ये देखिएगा, ये मेरा कैमरा मैन दिखाइएगा, ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये आई थी आप, ये दिखाए, ये कैमरा दिखाएगा,
ये शूज के निशान लग रहे हैं कुछ ऐसी चीज फिर निशान ये निशान दिखाइएगा हालांकि यहाँ पे कोई नहीं बैठता मट्टी से अटे हुए हैं ये बिल्कुल यहाँ पर कुछ हुआ है अभी चीजें हिली लगती हैं अपनी जगह से हमारा मकसद तंग करना नहीं है ना ही हम कर सकते हैं आइए उस आगे रूम में चलते हैं अल्लाह अकबर 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 अभी आप देख सकते हैं लॉक हो गई है और वसीम ये हर तरह से अजीब और गरीब निशान नजर देखने में आते हैं नाजरीन अच्छा वसीम हम अब चलते हैं फोन की तरफ बिल्कुल जो जहाँ से एक गार्ड को शिकायतें हैं हम यहाँ इशारे पर आवाज सुनी एक सेकंड अल्लाह हू अकबर आवाज़ आई है बाकायदा किसी चीज़ के हिलने की और कुछ मुझे ऐसा लगा किसी ने किसी चीज़ को पुश किया है कैमरा इस रूम में से यहाँ पर हम पहले भी आए थे और मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पर कुछ है हमारे कैमरामैन के साथ यहाँ पर उसे कुछ फील हुआ है रीडिंग्स लें ज़रा क्या है आपकी आवाज़ आई है मुशारिब ये देखो कोई है यहाँ पे अगर कोई है तो अल्लाह अकबर मुशारिब हमें यहाँ से निकलना चाहिए यहाँ पर कुछ है रीडिंग्स यहाँ पर पहले भी मुशारिब कुछ हुआ है हिला है एक सेकंड हम आपको यहाँ पर है हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हम जहाँ से चले जाएंगे ये बहुत ज्यादा हो रहा है मुशारिब हम आपको तंग नहीं कर रहे वो दिखाइए उस रूम में ताला लग चुका है इधर ही दिखाइए ये सारे ऑफिसेस बंद हैं अल्लाह अकबर दिखाइए बस एक सेकंड बकास ध्यान से हम आपको यहाँ पर तंग करने नहीं आए आप भी अल्लाह की मखलूक हैं हम भी अल्लाह की मखलूक हैं हमें आपने अपनी मौजूदगी का एहसास मुशारिब हमें यहाँ से निकलना चाहिए यार क्या हो रहा है यहाँ पे एक सेकंड हम यहाँ से इस रूम से जा रहे हैं हम आपको बिल्कुल नुकसान पहुंचाने नहीं आए हम उस दोबारा उस कमरे में जा रहे हैं क्या दोबारा मीटर वहाँ अगर आपकी मौजूदगी यहाँ पे बिल्कुल है और वो नजर भी आ रही है हमें एक दफा फिर रीडिंग चाहिए अपने मीटर पर सीम ऊफ इट्स टू मच या निकलो यहाँ आओ यार निकलो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता था यहाँ पे एक मिनट दोबारा सीम मुझे डर है कि वो चीज रूम में है हम पर हमला नहीं करेगी यार कुछ आवाजें आ रही नाज़िम अश्वर ये देख सकते हैं आप उसी जगह पर नाज़िम हम फिर आ गए हैं जहाँ पर हमने इनसे उनकी प्रेजेंस मांगी है कि अगर वो यहाँ पर हैं तो अपनी मौजूदगी का इजहार वो हमें करवा चुकी हैं और काफ़ी हद तक हम डरे हुए सहमे हुए भी हैं लेकिन अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है मैं दोबारा यहाँ पे आपको रीडिंग बताऊँ हमें इस जगह पर ही अभी नहीं आ रही है क्या आप दोबारा मौजूदगी दिखा सकते हो कैमरा दिखाए कि जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ वो अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं इसी जगह पर अच्छा एक और चीज मुशारिब ये नोट करो ये जब हम पहले आए थे ओ माय गॉड ओह हम आपको यहाँ पर तंग करने नहीं आए ये
खुशहाल है, हम वी हैव टू लीव दिस। आइए हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। ये यहाँ पे लेकिन मुशारे भी ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, रुक गई, ये देख रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं और वो रुक गई। मतलब कि हमने कहा कि हम उस जगह पे जाते हैं तो ये बकायदा खामोश हो गया, एक मैं इसको छोड़ चुका हूँ, देख रहे हैं नाज़रीन। ओह माय गॉड, ओ ओ क्या हम क्या यहाँ से जा सकते हैं, क्या आप जा सकते हैं हमारे मीटर बंद करके, हम समझ जाएंगे आप यहाँ से चले गए हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या मीटर बंद करके आप यहाँ से मौजूदगी अपनी खत्म कर सकते हैं, क्या हम समझ जाएंगे ताकि आप यहाँ से चले जाएं, हमें पता लग जाएगा। ओके, क्या आप दोबारा मौजूदगी ला सकते हैं? ओ तेरी मुशारे, हमें चलना चाहिए मेरे दोस्त, हमें इनको नहीं तंग करना बार बार। It's okay, we are leaving. हम जा रहे हैं। मीटर को बंद कर सकते हैं? यार, उस जगह पे इस ऑफिस, इस एरिया को बाहर को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए भाई। ये नाज़रीन उस तरफ दूसरे एरिया पे चलते हैं। ये मुशारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है यार। ओ माय गॉड, मैं तुम्हें कह रहा हूँ हमारे साथ कोई चीज चल रही है, लो खत्म हो गया। फिर वही 3 से 4 फीट, ये देखो, ये देखो, ओए होए 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 होए, ये दिखाइए बेचारे भी, यहाँ पर इसका जोर ज्यादा है, यहाँ पर रीडिंग बहुत ज्यादा है, ओए होए होए होए, चलें यहाँ से प्लीज। अच्छा वसीम, हम यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, बिल्कुल वॉशरूम्स हैं, वहाँ पे जाते हैं नाज़िम, वो भी बंद हैं, आइए देखते हैं। अच्छा जी, ये वॉशरूम, ये वॉशरूम है, यहाँ पे मैंने अपना मीटर ऑन कर दिए और इधर तो ऐसा कोई नहीं है, ये आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, ये आप देखिए यहाँ पे गंदगी कितनी है, और ये शीशा देख सकते हैं आप, ये कैमरा मेरा दिखाएगा कि हमारे चेहरे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, आप ये देख सकते हैं कि शीशों की क्या हालत हो चुकी है। ये इस चीज़ का बकायदा तौर पर मट्टी वगैरह गंद आप देख सकते हैं, सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल है यार। ओह माय गॉड, सीम अंदर आइए, कहाँ सीम, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, कैमरामैन आगे आगे जाइए, यहाँ पर बाकी कुछ है, कोई बिजली नहीं है, कोई बिजली नहीं है, सीम देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, आ जाओ मुशारे, एक सिंह बाहर है वैसे, हाँ हाँ बाहर आइए, मैं अकेला है और रुको थोड़ी देर, ठीक है आप ज़रा बाहर जाइए, ओके ठीक है रुको, एक कैमरा मेरे साथ रह जाए, एक मेरे साथ आ जाए, थप्पड़ मारा है क्या कोई है, ओह मैंने यहाँ पे फैसला किया है रुकने का, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग्स आ रही हैं और मैं समझ रहा था कि यहाँ पे मेरा अकेला होना ज़रूरी है, और चलें नाज़रीन आपके सामने है, हम लोग स्प्लिट हो चुके हैं, लेकिन उसकी रीडिंग हर तरफ से आ रही है, कोई ऐसा कोना नहीं है इस दफ्तर का, इस बिल्डिंग का, जहाँ पे रीडिंग्स ना आ रही हों, इट्स अमेजिंग। हम यहाँ पे दोबारा आते हैं, मोशन सेंसर यहाँ पे प्लेस करके जाएंगे, अगर कोई रीडिंग साथ साथ हैं, जैसे कोई चीज हमारे साथ आ रही है, चलें आगे चलते हैं और देखते हैं। जी वसीम, हाँ हाँ, वही सेम चीज़ रीडिंग्स, हम अभी वहाँ चलते हैं उस रूम के, चलो उस तरफ देखते हैं। चौकीदार का कहना है कि उसको वहाँ पे थप्पड़ पड़ चुके हैं, बहुत सी चीज़ें वसीम वहाँ पे मौजूदगी वो कहते हैं क्या है, अच्छा, उनकी जुबानी सुनते उनकी हैं जुबानी सुनते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस जगह के बारे में।
हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के चौकीदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनकी ज़ुबानी सुनते हैं, ये इस रूम में रहा करते थे। ऐसे ही है। और आप सर ये रूम ज़रा खोलिएगा, ठीक है, और हमें दिखाइए। आप सर यहाँ कितने अरसे से? मैं सर कम से कम 2 साल इसमें रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें ये है कि सोने नहीं देते, परेशान करते हैं। अच्छा। यहाँ पे उनकी रहायश है। किधर? यहाँ पे रहायश है उनकी। ये आपको कैसे पता है कि वहाँ पर उनकी रहायश? सर मैंने इधर 4-5 लगाई हुई थी। अच्छा, ये दिखाई? तो इधर मेरे कपड़े वगैरह पड़े दिखाई। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे उनका कोई सामान वगैरह पकता है, जो खाते पीते हैं। ये आपको कैसे पता है सारी चीजों का? सर मुझे ऐसे ये पता है कि मेरे से ये होगा जो भी है, जो करते रहे। नहीं, खाने का मतलब क्या? कोई शादी वगैरह होता है, वो इधर ही आते हैं, वो ऊपर उनका सेहरा लगा हुआ। मौजूदगी होती है? हाँ, महसूस होती है। हाँ बिल्कुल, ये शादी हो रही है? हाँ बिल्कुल होती है, वो जो दस्ती बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, आप जाए भैया हमारा काम हो रहा है, शादी वगैरह हो रहा है तो आपके साथ कभी वो देखो, उधर ऊपर देख रहे हो, दिखाइएगा ऊपर। ये उनकी वो जो अपना जो शादी वगैरह वो चीज लगी हुई है। ये आपको कैसे पता ये सारी बातों का? किसी मेरे साथ हुआ ना, मुझे आपको खाब में दिखाई दी है? खाब में दिखाई दी है ये सारी बातें? खाब में दिखाई नहीं दी है, आप उन्होंने मुझे खुद निकाला यहाँ से। आपके साथ क्या क्या वाकया? आपके चार मेरे साथ बहुत ज्यादा मारते भी हैं, पीटते भी हैं, परेशान भी करते हैं। उन्होंने कहा इधर से बाहर चले जाओ, तो भाई इधर से मैं तंग आके मैं नीचे जाऊँ। आप नहीं रहते यहाँ? मैं अभी नहीं रहता। तो कोई ऐसा आपके साथ नुकसान या नुकसान? ये निशान है मेरे साथ, ये दिखाइएगा जरा। ये देखिए ये निशान है, ये ये कैमरा दिखाइएगा। ये कैसे पड़ा आपको? ये उन्होंने बस जैसे थप्पड़ मारा है। अच्छा, नीचे दिखाए और कुछ इसके अलावा? और इसके अलावा ये अब ये थप्पड़ मारा है उन्होंने। ऊपर आप चढ़ के देखें, ऊपर उनके कैसा कैसा सामान पड़ा हुआ है। कैमरा दिखाएं? कैमरा क्या चीज है? कैमरा ऊपर, ये चेयर जरा इधर कर सकते हैं हम? कर ले। कैमरा ऊपर दिखाएं, ऊपर ये जो कुछ भी सामान पड़ा हुआ ना उनका ही है। इस पे चढ़े यार, कोई चढ़े? एक सेकंड मुझे देखने दो इशारे, क्या है ऊपर? यहां पे नजर नहीं आ रहा, कैमरा दिखाएंगे? भाई आप उनको छेड़ना ना, रात को मुझे परेशान ना करना। नहीं 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 नहीं, 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 एक सेकंड। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये डंडा, इसी डंडे से मार पड़ती है? हाँ जी सर। आप तो ये चीजें आप यहाँ से हटाते क्यों नहीं? सर कौन हटाए इन चीजों को? इन चीजों के साथ मुकाबला किया जाता है? नहीं वो तो ठीक है, आप जरा बाहर जाइए, मैं इधर रहता हूँ। तुम पूछो जरा, एक कैमरा मेरे साथ रहे। सर मुझे जरा अकेला छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करने। ठीक है, ठीक है। वसीम? हाँ हाँ, मैं यहाँ बैठता हूँ। हाँ, और देखता हूँ। देखें आप, देखें जी। ये तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे अकेला रह गया, मैंने कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरा मैन दिखाए, इधर आइए। बाकायदा तौर पे शीशा है जो क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? क्या बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं इस कमरे में? क्या कोई है? नाज़रीन अभी फिलहाल इधर मौजूदगी नहीं है, लेकिन बाकी कमरों में आपके सामने है जो यहाँ पे हालात हैं, किस किस्म की यहाँ पे रीडिंग्स का आना हम देखते हैं। बाकी जगह एक आखिरी मोशन सेंसर वगैरह लगाते हैं, ये देखते हैं इसमें कुछ आता है या नहीं। जी नाज़रीन, मैं अब आखिरी मरतबा अकेला उस बाथरूम में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मोशन सेंसर प्लेस करता हूँ। अगर वहाँ पे बिल्कुल मौजूदगी उनकी यहाँ पे है, और ये दिखाइएगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं, मैं इसको मोशन सेंसर को ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो गया है, और मैं इसके वॉशरूम के एंट्रेंस पे लगा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ यहाँ से गुजरती है तो हम लोग उसको नोटिस कर लेते हैं।
नाज़रीन मोशन सेंसर मैंने वहाँ पे लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं बाथरूम का बकायदा। यहाँ पे जितनी गंदगी है, जितनी बदबू है, आपके सामने है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और आप ये देख रहे हैं, क्या कोई चीज है यहाँ पे? क्या बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं? अब वो मोशन सेंसर आप देख सकते हैं, हमने वहां पे प्लेस कर दिया है। उफ! नाज़रीन आपके सामने में इस वॉशरूम में मैंने प्लेस किया है, ये देख सकते हैं, आइए। ये देखें, पकड़िए नाज़रीन, हमारा मोशन सेंसर भी बच चुका है। ये देखिएगा, मैं लास्ट यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ये दिखाइए लास्ट मरतबा, ये उनके होने का एहसास आपके सामने है। हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं माजरा चाहूँगा आपको, बार बार मैंने यहाँ पे तंग किया, हम सब ने तंग किया, आपने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है, बार बार दिलाया है, हम मानते हैं कि आपकी यहाँ मौजूदगी है, हमने आपसे साइन मांगे, आपने साइन भी दिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। वसीम, अब इसकी कंक्लूजन करते हैं आपके सामने। वसीम, आई हैव नो वर्ड्स, मैं आपसे वही बार बार एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह यहाँ पे वो जो दफ्तर वाले एक शख्स थे, उन्होंने ये कहा कि वो चीज़ मौजूदगी दिखाती है लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाती, ठीक है? नहीं, लेकिन उन्होंने जो चौकीदार हमें मिला उसने कहा कि उसे तो बाकायदा थप्पड़ भी पड़े और जख्मों के, बिल्कुल ऐसी उसके जख्मों के निशान, हाँ, के सामने है, बिल्कुल उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया थ्रू मीटर, थ्रू मोशन सेंसर, और बाकायदा वो एक, आपने एंडिंग में देखा होगा कि हम जब उस रूम से निकल रहे थे तो बाकायदा तौर पे वसीम वो दीवारें हिलना हिल रही थी, वो केबिन्स हिल रहे थे, और निशाने बनने चलना है साइंस के थ्रू, हम फिक्शन पर या फिर रवायात और इस तरह की चीजों को नहीं देख रहे। हम लोग कोशिश करेंगे वसीम, आगे हमारे साथ कुछ ऐसे केसेस हम लोग अपनी नाजरीन को भी दिखाएं, बिल्कुल कुछ ऐसा अगर रिपोर्ट होता है तो इंशाल्लाह वहां पर भी जरूर जाएंगे, इससे ज्यादा हॉन्टेड जगह को जाके हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपके सामने थी, आज हम जिस जगह मौजूद थे वहां पे हमें रिपोर्ट किया गया कि यहां पे कुछ ऐसे असरात हैं, कुछ ऐसे अंधे के वजूद हैं जो तंग नहीं करते वसीम, लेकिन अपने होने का एहसास जरूर दिलाते हैं। तो हम लोग इस जगह से अभी वाइंड अप कर रहे हैं, जो जो चीजें हम लोगों ने देखी हैं वो आपके सामने है, मीटर्स का बजना, मोशन सेंसर का बजना, और जो वॉशरूम है वसीम वहाँ पे मोशन सेंसर का बजना, जब हम स्प्लिट हुए हैं तो बकायदा तौर पे वहाँ पे मोशन सेंसर इंडिकेशन है जगह पर, जब तो चप्पे पर ऐसी चीजें हैं। अब इस तरह से मुशारिब हम देख रहे हैं कि इस तरह के जितने भी केसेस आएंगे उनको मजीद भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि और कौन से ऐसे अनदेखे वजूद हैं और उनकी तह तक पहुंचेंगे और लोगों तक इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे नाज़रीन कि आपको अच्छी सी जगह, अच्छी और जगह दिखाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुशारिब फारूकी और वसीम नकवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।